खंडवा में आज भारतीय किसान संघ के नेतृत्व में किसानों ने आज कलेक्ट्रेट में धरना प्रदर्शन किया। 2 घंटे के विरोध प्रदर्शन के दौरान किसानों ने बीमा कंपनी को सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसानों ने अपनी समस्या को लेकर कलेक्ट्रेट परिसर में आपार कलेक्टर को ज्ञापन भी दिया। ज्ञापन में सौंपने के बाद किसानों ने बीमा कंपनी का पुतला दहन किया और जमकर नारेबाजी की। किसानों का आरोप था कि जिन किसानों को अनाज मंडी में बुलाकर बीमा राशि के चेक दिए गए हैं, उन किसानों के खाते में अब तक राशि नहीं आई है। अगर बीमा कंपनी और सरकार किसानों के खाते में बीमा राशि जल्द नहीं डालती है तो किसान दूध सब्जी सब बंद कर उग्र प्रदर्शन करेंगे। भारतीय किसान संघ के विरोध प्रदर्शन में भीलखेड़ी के किसान रामदास कड़वा भी अपने 2,800,000 रुपए का चेक लेकर आए। उन्होंने आरोप लगाया कि अधिकारियों ने मंच पर बुलाकर एक चेक उन्हें दे दिया, लेकिन खाते में अब तक 1,50,000 रुपए ही डाले हैं। 55,000 रुपए के लिए वह अभी भी अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि यह समस्या पूरे जिले की है। बीमा कंपनी से सूची मांगी गई है, लेकिन अब तक उन्होंने सूची उपलब्ध नहीं कराई है। जैसे ही सूची मिल जाती है, किसानों को संतुष्ट जवाब दिया जाएगा। हम लगातार बीमा कंपनी से बातचीत कर रहे हैं। ये जो चेक मुझे दिया था बीमा कंपनी से, वहाँ मंच पे बुला के मेरा स्वागत किया, लेकिन इसमें अभी 1,47,000 बीमा आया है, उसके बाद अभी तक कोई बीमा नहीं आया। 2,02,800 कड़वा जी, ग्राम बिलखेड़ी से हूँ मैं। मेरे को मंच पे सम्मानित करके जो चेक दिया, उसमें पूरा पैसा नहीं आया है और मेरे साथ धोखा हुआ है। 2,02,800 कितना राशि अभी डली? अभी 1,47,000। उसके बाद राशि क्या हुआ? 55,000 आए नहीं अभी। ये तो मंडी में दिया था ना चेक, कृषि विभाग वालों ने धोखा दे रही है। कौन धोखा दे रहा है? सरकार। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 12 फरवरी को एक आदेश किया गया था, पूरे प्रदेश में कार्यक्रम हुआ था कि सभी किसानों को मैं आज एक क्लिक के माध्यम से बीमा दूंगा। उस बीमे को लेकर किसान एक महीने से लगातार बैंकों के चक्कर काट रहे हैं। कई किसानों के अभी राशि नहीं आई है, और यहाँ तक कि जिन किसानों को उस रोज चेक बांटे गए थे, उन किसानों का भी आज तक पैसा नहीं आया है। तो इसलिए हमने आज मतलब पूरे प्रदेश में बीमा कंपनी का पुतला फूंका है। बीमा कंपनी के हजारों अनियमितता हैं, जिसको सरकार उसको पहले ठीक करे, उसके बाद किसानों के बीच में बीमा लाए। सरकार ने बोला था मैं बीज उगा मतलब बीज बोने से लगाकर किसान की फसल उसके खले तक आएगी, वहाँ तक बीमा कर रही हूँ। किसानों की कई फसलें नालों में बह के चली गई 2019 में 2020 में, लेकिन आज तारीख तक बीमा नहीं आया। ऐसी जो नीति बनाई है, इसमें संशोधन करके किसानों को उचित बीमा दिया जाए। किसानों की पॉलिसी बीमा भरने के बाद सरकार उन्हें पैसा मिलाती है, करोड़ों रुपये बीमा कंपनी खा के डकार मार रही है, लेकिन आज तक किसानों को ढंग से पैसा नहीं मिल पाया है। सरकार सुधार करके किसानों को तत्काल बीमा दे, नहीं तो जिला स्तर पर आंदोलन होगा। दूध फल सब्जी रोकी जाएगी, अनिश्चितकालीन घेरा डालो डेरा डालो आंदोलन होगा, जिसकी पूरी जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी। खंडवा से राम पगवार नायक की रिपोर्ट।